हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक फंक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा न्यू है, एक्सेल का फंक्शन है, और इसे आप केवल देख पाएंगे एक्सेल 365 में, और या तो आपके पास अपग्रेडेड वर्जन हो, या तो 2021 हो, या उससे ऊपर का कोई वर्जन है तो उस वाले एक्सेल के वर्जन में आप इसे देख पाएंगे। और इस फंक्शन का क्या नाम है आइए देखते हैं, और इसको कैसे यूज़ करना है ये भी देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक्सेल 365 है, मैं इसी के अंदर आपको ये फंक्शन यूज़ करके और इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये ब्लैंक वर्कबुक है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नया पेज आ जाता है हमारे सामने। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ नेम ऑफ टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ टीचर्स। अब ये जो है ना, ये रिसाइज नहीं है, ये बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, शॉर्टकट की, आप एक शॉर्टकट की प्रेस कीजिएगा, पहले प्रेस कर लीजिएगा अल्ट, अल्ट प्रेस करके आपको छोड़ देना है, उसको दबाए नहीं रखना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। फिर प्रेस कीजिएगा एच, एच प्रेस करके भी इसे छोड़ दीजिएगा, ओ, और फिर प्रेस कर दीजिएगा आई, यानी कुछ भी आपको प्रेस करके, प्रेस नहीं किए रहना है, प्रेस करके छोड़ते जाना है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर मैं कर देता हूं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया है डिपार्टमेंट, तो ये दो हो गए, एक हो गया नेम और दूसरा डिपार्टमेंट। अब ये डिपार्टमेंट भी आप चाहे तो ऐसे भी रिसाइज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इसकी विथ जो होती है 8.43 होती है, ठीक है। तो इसको मैंने रिसाइज कर दिया है यहां से जाकर के ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ऑफ टीचर्स आएगा, तो टीचर्स के नेम यहाँ पे कुछ हम टाइप कर देते हैं, जैसे यहाँ पे राम श्याम करके कुछ भी ऐसा नाम जो टीचर का नाम हो वो यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे वो टीचर्स के नेम मैं टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है। और टीचर्स के नेम टाइप करके एंटर करेंगे, और फिर यहाँ पर एक और टीचर का नाम टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पर एक और, तो ये हो गया सुमित। तो यहाँ पर ये टीचर्स के नेम है, और यहाँ पर आएगा डिपार्टमेंट का नाम। तो डिपार्टमेंट तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, और टीचर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, डिपार्टमेंट भी बहुत सारा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट में कर देता हूँ पाइथन, अब कोई पाइथन पढ़ाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कर देते हैं जावा, तो कोई जावा पढ़ाता है, ठीक है। कोई यहाँ पे सी प्लस प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं सी, और यहाँ पे सी रखेंगे, सी प्लस प्लस नहीं, ठीक है, ऊपर सी प्लस प्लस सही है। इसी तरीके से और भी यहाँ पर एक्सेल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये एक्सेल पढ़ाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं कोरल, कोरल ड्रा DRAW। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर उन लोगों को पढ़ाने वाले लोगों का नाम भी यहाँ पे आएगा, और ये नेम रिपीटेड भी रहेंगे, यानी ये जो डिपार्टमेंट हैं ये रिपीटेड रहेंगे, लेकिन ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति में टास्क आपका क्या है उसे समझिएगा। पहले यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, कहीं पर भी क्लिक करके और कंट्रोल ए करिएगा, तो ये जो है कंट्रोल ए करने पे ये जो है सेलेक्ट हो जाएगा। कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए डेटा में और कंट्रोल ए करिएगा तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट होगा। अल्ट एच बी ए प्रेस कर दीजिएगा लाइन से, तो ये पूरा इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें वो चीज़ करना है, तो कैसे कर पाएंगे, क्या तरीका है, तो देखिए ये आपको मैंने बताया ना कि या तो 2021 या उससे ऊपर का वर्जन हो, या तो आप एक्सेल की लैंग्वेज है पाइथन, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ PYTHON पाइथन, ठीक है। फिर जावा है तो मैं इसी को एक काम करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो दूसरा हो गया जावा, ठीक है। तीसरा हो गया सी प्लस प्लस, तो यहाँ पे अगर हम सी प्लस प्लस कर देते हैं कंट्रोल वी करके, तो यहाँ सी प्लस प्लस भी आ गया। इसी तरीके से सी है, फिर एक्सेल है, तो जो भी डिपार्टमेंट है उनको कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये कोरल है तो कोरल को भी यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया, फिर इसी तरीके से एक्सेल भी होगा तो एक्सेल को भी यहाँ कॉपी करके और हम पेस्ट कर देंगे, या फिर यहाँ टाइप कर देंगे एक्सेल तो भी हो जाएगा, तो ये एक्सेल हो गया। तो सारे ही डिपार्टमेंट के नेम आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता हूँ हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। तो ये कलर ठीक है, इसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और यहाँ पे ये बॉर्डर भी लगा दिया है। तो यहाँ पर अब देखिए, हम ये चाहते हैं ना कि हम कोई ऐसा फंक्शन यूज करें कि एक ही बार में हमें सारे इंप्लॉयज की लिस्ट मिल जाए। अब ये तो एक छोटी रेंज है, आपके पास हो सकता है बहुत बड़ी रेंज हो, या अगर आप काम कर रहे हैं जहां वहां पर एक बहुत बड़ी रेंज हो, तो ऐसे में ये निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इज इक्वल टू फिल्टर लगा लीजिए, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करिए,
यहाँ पर दिक्कत होगी। अब जैसे मान लीजिए आप देखेंगे राम, तो हाँ ये पाइथन के हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा राम, ठीक है, एम्प्लॉय का नाम हो गया राम। फिर यहाँ पर आइएगा तो श्याम जावा के हैं, तो यहाँ पे श्याम को कॉपी करिए या कट करिए, जो भी है कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉपी करिए और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए मोहन सी प्लस प्लस के हैं, तो फिर यहाँ पे कॉपी कीजिए, फिर यहाँ पे पेस्ट कीजिए, ठीक है। फिर इसी तरीके से राजेश सी के हैं, तो सी का अलग हो गया, फिर एक्सल का अलग हो गया। तो ये इस तरीके से लिखना थोड़ा कन्वीनियंट नहीं है। कोई ऐसा तरीका हो जिससे एक बार में एक क्लिक में सारी चीजें हो जाएं, ऐसा हमें यहाँ पे लेके आना है। तो ये कैसे होगा, हम अब यहाँ पर आते हैं और अब वो लगाते हैं फिल्टर फंक्शन। तो FILTER फिल्टर, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और देखिए यहाँ पर नेम ऑफ टीचर्स है, तो इस टीचर के नेम को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए जहां तक ये दिया गया है, ठीक है। तो ये सेलेक्ट कर लिया हमने, और अब क्या करना है, यहां पर एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है। क्या है वो शॉर्टकट की, F4, फंक्शन बटन F4 प्रेस कीजिएगा। तो देखिए सबके पहले डॉलर लग गया है, ए के भी पहले डॉलर लग गया है, टू के भी पहले डॉलर लग गया है, फिर यहाँ ए के पहले और 19 के पहले भी डॉलर लग गया है। तो ये डॉलर लग जाने के बाद आप लगा दीजिएगा क्या, कॉमा। कॉमा लगा करके अब ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिए, तो यहां से पूरा डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेलेक्ट कर लेने के बाद इसको भी F4, ये ध्यान रखिएगा अगर आप लिखेंगे नाम तो भी दिक्कत होगी, तो यहां पे लिखना भी नहीं है, क्या करना है यहां से सेलेक्ट कर लेना है, बस इसको सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए यहां पर जो है वो सारे नेम आ गए हैं जो कि पाइथन पढ़ाते हैं, तो अब चेक करना होगा कि पाइथन यही लोग पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा यहां से अगर इसको ड्रैग करवा देते हैं तो क्या सबका आ जाएगा, तो देखिए सबका आ गया है, यहां पर देख सकते हैं हर एक का डिटेल में सारी चीजें आ गई हैं। देखिए यहां पर ये सारी डिटेल आ गई है। अब इसको रिसाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबको सेलेक्ट करके एक ही बार में Alt-H-O-I प्रेस कर देता हूँ, ये रिसाइज भी हो जाएगा। तो अब देखिए राम, सुमित और दीपक गुप्ता, ये तीन लोग ऐसे हैं जो कि क्या पढ़ाते हैं, पाइथन पढ़ाते हैं। तो राम यहाँ पर एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी करता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। तो ये राम हो गया और सुमित, ये देखिए ये सुमित है, तो ये सुमित हो गया, और फिर दीपक गुप्ता, तो यहाँ पर ये दीपक गुप्ता, और कोई पाइथन तो पढ़ाता नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग पाइथन पढ़ाने वाले हैं। इसी तरीके से जावा देख सकते हैं आप, श्याम, तो यहाँ पे श्याम का नाम आया हुआ है जावा पढ़ाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये श्याम है, और कौन है यहाँ पे, देखिए ये हिना है, तो आप मैच कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए श्याम हिना आ रहा है, और लास्ट में कौन बचा हुआ है, तो युवराज चौहान। तो यहाँ पर आप आइएगा तो देखिए जावा जो है युवराज चौहान, और कोई तो जावा पढ़ाता ही नहीं है, देखिए यहाँ पर और किसी का नाम है जावा में, नहीं है। तो इस तरीके से बहुत ही, और सब सबका मैच करा सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही। यहाँ पर आप एक्सेल भी देखेंगे तो एक्सेल में दुर्गेश नगमा और राजीव नयन करके हैं, तो यहाँ पर जो है एक्सेल देख लीजिए आप, तो यहाँ पे एक्सेल यहाँ पर है, तो दुर्गेश है, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिफरेंट कलर फिर देता हूँ मैं, और फिर दूसरा क्या था यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए ये नगमा है और राजीव नयन, तो देखिए नगमा यहाँ पर है, तो ये एक्सेल वाला हिसाब किताब है, तो ये नगमा हो गया, और फिर यहाँ पे देखिए राजीव नयन, ये लोग जो है क्या पढ़ाते हैं, एक्सेल पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर इन तीनों लोगों का नाम आ गया। इसी तरीके से कोरल कौन कौन पढ़ाता है आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सी कौन कौन पढ़ाता है, तो सूरज, सुमिता और रीमा चौहान, ये लोग कोरल पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूरज, सुमिता और यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे नीचे आइए तो देखेंगे, तो ये देखिए कोरल ड्रा हो गया, सूरज और दूसरा सुमिता हो जाएगा, तो ये सुमिता हो गया, और लास्ट में क्या बचा है, तो लास्ट में जो है कोरल कौन पढ़ाता है, तो रीमा चौहान। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा फिल्टर फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके पास रेंज बड़ी हो जाती है तो उस कंडीशन में फिल्टर काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया।